Hello, everybody. Hello. Yeah, so I was just talking to Jay about his first day in the professional world. And so he started excitedly telling me a lot of stuff. And I was very happy. And I said, ki, why not to share this with everybody? Hello? So I said, Jay, tu bataega mereko fir se, jo mereko bata raha tha tu. तो ही इज एग्रीड. आज इसको ना थोड़ा बुखार भी था क्योंकि इसने एग्री नहीं किया. इसने जबरदस्ती करी कि नहीं मैं तो जिम जाऊंगा ही जाऊंगा. वो गलत डिसीजन था ना. है ना. हाँ. अगर मुंह पे हाथ रख हाँ अगर इफ यू वर नॉट फीलिंग टू गुड तो सांता क्रूज से वापस आके जिम तो आपको नहीं जाना चाहिए. फिर आप क्यों नहीं माने जब मैंने मना किया था बेटा बहुत थक गया मत जा. तो फिर मानना चाहिए. मैं हेमंत सर को मुझे मना कर देना चाहिए कि नहीं आ सकता मैं. तो आपने किया नहीं ना उस टाइम पे मना. तो देखो बुखार आया और आज इनका फर्स्ट डे था तो ये बुखार में ही होके आए. ही इज अ ब्रेव बॉय. दवाई ली थी. हाँ ली थी. कब? मतलब लंच ब्रेक पे. हाँ वो SOS मेडिसिन दिया था कि अगर बुखार होए तो लेना. तो फिर हाँ. लगा था आपको कि बुखार है थोड़ा लेकिन लंच ब्रेक पे. हाँ लंच ब्रेक पे. हाँ. अच्छा अच्छा बताओ ना कुछ अपने उसके बारे में. फर्स्ट आज मेरा फर्स्ट डे था. फर्स्ट डे पे क्या क्या हुआ था. वहाँ पे मैंने बेकरी में काम किया था. वहाँ पे गेस्ट्स के लिए बूफे का हमने सर्विस रखना था तो उसके लिए हमने रेफ्रिजरेटर पे जो भी सामान था वो हमने रख दिया था. अच्छा. जो कोल्ड डिजर्ट्स थे. हॉट डिजर्ट्स जो है जो ओवन में बेक होके आते हैं उनको हमने वहाँ रखा बाहर. अच्छा. और हमने बहुत सारे बहुत सारा काम किया था आज वहाँ पे. वहाँ पे हमने टार्ट्स भी बनाए थे. ब्लाइंड बेक भी किया था टार्ट्स को. फिर उसके बाद उसमें मिक्स फ्रूट टार्ट हमने जब बनाया था तो स्ट्रॉबेरी वाला विप्ड क्रीम डाला और फिर मिक्स फ्रूट्स डाले और फिर हमने उसको फिर कोल्ड एरिया में रखा और फिर डिश वॉशर पे और जो भी डिश वॉश सामान था वो आता डिश वॉशर में चला गया था. और हमने क्या क्या काम किया था कि वहाँ पे जो भी. फिर उसके बाद लंच ब्रेक मिला था. अच्छा एक चीज़ बताओ तुमको प्यार से रखते हैं या डांटते वाँटते हैं तुमको. प्यार से रखते हैं. अच्छा चलो बढ़िया. और सारा दिन काम किया या थोड़ा रेस्ट भी किया तुमने कि नहीं. सारा दिन काम तो किया लेकिन ब्रेक भी मिला था तब रेस्ट भी किया था मैंने. अच्छा, लंच टाइम पे. अच्छा. और ये तो हो गया कि तुमने जो जो चीजें वहाँ पे बनाई जो जो किया. तो अभी तुमको क्या शिफ्ट उन्होंने दिया बेटा कब से कब तक का. 11 o'clock से लेकर 8 o'clock तक का. तो जिम का क्या करोगे. वो मॉर्निंग पे. तो तुम तो सुबह उठते ही आराम से हो फिर. नहीं वो भी सुबह. हाँ आराम से उठता हूँ लेकिन फिर भी सॉरी मतलब मैं कोशिश करूँगा मतलब कि 8 o'clock पे 9 o'clock पे जिम जाने के लिए ताकि मैं 10 o'clock पे वहाँ से वापस आ सकूँ और फिर 10:30 पे कपड़े वपड़े चेंज करके फिर ट्रेन का हिसाब देख लिया कौन सी ट्रेन जाएगी. हाँ जी एम इंडिकेटर पे देख लिया था. नहीं देखूंगा एम इंडिकेटर पे वो मंडे से नहीं संडे से. और फिर ये है कि 11 o'clock से पहले मेरे को शेव करके आना पड़ेगा क्योंकि थोड़े से बाल यहाँ पे हैं. आपको आज क्यों उन्होंने टोका था क्या. नहीं मैं क्लीन शेव टोकर आया था ना क्लीन शेव. अच्छा. हाँ वो लोग बहुत पर्टिकुलर है ना कि ऐसे नहीं. और एक चीज पापा बहुत ज्यादा ही पैनिक में हो गए थे क्योंकि आप टैक्सी बुक करा के कपड़े चेंज करने गए थे. तो नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान रखो. पर नेक्स्ट टाइम से बार बार हम टैक्सी थोड़ी बुक करेंगे. तो आप रूट चेक करना मंडे को. हाँ ठीक है. वहां से ऑटो जाके रेलवे स्टेशन. और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा पड़ेगा. तुर्बे स्टेशन. तुर्बे. तुर्बे के जुई नगर. तुर्बे. अच्छा फिर आपको पास वास बनवाना पड़ेगा. हाँ बनवा लेना फिर. हाँ ओके. अच्छा और ये तो हो गया आपने जो जो किया. कोई फ्रेंड्स बनाए कोई मिला. हाँ फ्रेंड्स बनाए. वो दो फ्रेंड्स थे. हाँ जी जो कि मेरे से बात भी कर रहे थे और उन्होंने मेरे को काम भी दिया था ना तो वही. अच्छा ओके. सो योर हाउ वाज योर ओवरऑल डे. मतलब इतना सारा काम आपने पहले कभी नहीं किया कि इतनी इतनी देर तक और फिर 8 बजे तक रात को. तो आपको कैसा फील हो रहा है. हाउ इज द फीलिंग. गुड बट या
8 o'clock पे थका हुआ तो मैं आ सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए क्योंकि मैं तो थका हुआ हूँ इसके लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा काम था। लेकिन प्लस बेटा आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, आप बुखार में काम किए आज, चले गए आप। अब आप ना संडे पूरा पूरा रेस्ट करो ताकि मंडे तक आप फुल्ली रिकवर हो जाए, है ना। और अभी जिम नहीं जाना। हाँ जी, और फिर ये है कि हाँ, क्योंकि इसके लिए क्योंकि वहाँ काम तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पे आए हो इंटर्नशिप के लिए, वहाँ खाली तो बैठ नहीं सकते। I'm glad that the thought process is right, that काम तो आपको करना पड़ेगा। God bless you मेरा बच्चा। ओके अच्छा ठीक है, चलो इतना ही काफी है। कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, वहाँ पे क्या हाँ क्या कोई मैसेज देना चाहते हो? नहीं नहीं, चलो ठीक है। ओके स्टे ब्लेस्ड, जाओ रिलैक्स। आई जस्ट वांटेड टू शेयर योर फर्स्ट डे, यू नो, जैसे तुमने मुझे बताया, आई वांटेड टू शेयर विद एवरीबॉडी। चलो जाओ, एंजॉय योर सेल्फ एंड देन हैव डिनर। क्या खा रहे हो? कुछ नहीं, पॉपकॉर्न खाओ। पॉपकॉर्न खा रहे हो, खाओ खाओ खाओ। चलो बाय तो करके जाओ। बाय।